नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो पूरा का पूरा जो फोकस है वो कुंडली चुनाव पर चला गया है। कुंडली चुनाव को बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इसे 2024-25 के चुनाव से पहले होने वाले एक बड़ी लड़ाई के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो इससे पहले दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके रिजल्ट में 50-50 का बराबर रहा था। इसी कारण से कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं और अब लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा खेला हो सकता है। क्यों, जान लीजिए। देखिए, बिहार में जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, बड़े मुखर हैं, लगातार अपनी बातें मुखरता के साथ रखते रहे हैं। उन्होंने, संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो डाला है। उस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि कुढ़नी में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की हार तय है। खास नीतीश कुमार पर उनका फोकस है। बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है बिहार में अब पिछले पायदान पर चली गई है, लगातार खिसक रही है और आगे चल के आने वाले समय में मुकेश सहनी और अन्य जो फैक्टर्स हैं उनके आधार पर वो बिहार में अपनी सीटों को जितवाने के लिए प्रयास करेंगे। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो जरा समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है इस बात को समझ पाना, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप मुकेश सहनी पर भी लगा दिया है कि वो एजेंट बन के जा रहे हैं और ये कहा है कि नीतीश कुमार को पता है कि उनकी हार होने जा रही है। समय बता देगा कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 8 तारीख तक प्रतीक्षा करिए। नीतीश कुमार जी जब सीधे जीत नहीं सकते तो उन्होंने 2-4 अपने एजेंटों को बहाल करके रखा है जो भाजपा के वोट काटने के चक्कर में है। जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है, वह सब जानती है। संजय जायसवाल ने ये बातें कही हैं। संजय जायसवाल का इशारा किस तरफ है या समझिए, पहले आप ये वीडियो देख ही लीजिए कि संजय जायसवाल ने एग्जैक्टली कहा क्या है। समय बता देगा, 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। यह बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नीतीश जी जब सीधे जीत नहीं सके हैं तो वह उन्होंने 2-4 अपने एजेंट बहाल करके रखे हैं जो इसी काम में लगा रहता है कि कैसे भाजपा का वोट कटे। जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है और जनता इस तरह के जो लोग हैं जो कि वोट काटने के लिए जिनको एजेंट के रूप में बनाया गया। मेरा तो नीतीश कुमार से प्रश्न है कि आप दोनों उप मुख्यमंत्री का आवास खाली कराने को कहते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष का आवास जबरदस्ती खाली कराने का नोटिस देते हैं, लेकिन किस नाते एक व्यक्ति जो 6 महीने पूर्व खत्म जिसका हो चुका है विधान परिषद का, उसको आपने क्यों आवास दिया हुआ। तो यह सब एक कुछ नीतीश जी की शुरू से आदत रहती है कि कुछ वह डमी रखते हैं जो डमियों का उपयोग करते हैं। वह डमी का उपयोग राजद के खिलाफ भी करते हैं, भाजपा के खिलाफ भी करते हैं। इस तरह के डमी लोगों की चिंता में एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगती है। 2020 में भी हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगा और इसलिए हम 74 जीते जिन्होंने नीतीश जी के नाम पर वोट मांगा वह 43 जीते, और आज भी हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगते हैं। समीकरण बैठाना 6 बजे शाम को जो लोग महफिल सजाते हैं उनका काम है कि इसको काटो, इसको जोड़ो, इसको बांटो। भारतीय जनता पार्टी सभी का, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास पर ही आधारित कार्य करती है। सर, एक आखिरी सवाल, ये सर किनको किनको नोटिस मिला है सर बंगला खाली करने के? दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नोटिस मिला है, नेता प्रतिपक्ष को नोटिस मिला है, बंगला खाली नहीं करने पर उनको, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन नीतीश जी के जो गुर्गे हैं जिनको उन्होंने रख के छोड़ा हुआ है उनको नोटिस, उनसे बंगला नहीं खाली कराया जाता है। भले वह विधायक रहे नहीं रहे, विधान पार्षद रहे नहीं रहे, उनको बंगला इसीलिए दिया गया है कि वह नीतीश कुमार के नौकरी बजाएं और नीतीश कुमार का काम करें। आपने सुना, संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वहां पर नीतीश कुमार की हार तय थी। उस हार को देखते हुए नीतीश कुमार इतने डर गए कि उन्होंने मुकेश सहनी को एजेंट बनाकर अपना वहां उतार दिया। क्योंकि आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने वहां पर नीलाभ को उतारा है जो कि उनके प्रत्याशी हैं, भूमिहार समाज से आते हैं और काफ़ी तगड़ी फील्डिंग की जा रही है उनको वहां से जिताने के लिए। लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, लेकिन यहां संजय जायसवाल एक बड़ा गेम कर गए या शायद उनसे गलती हो गई। संजय जायसवाल ने ये बात भूल गए यहां पर बोलते हुए कि कहीं ना कहीं इस सीट पर सबसे पहली पार्टी जिसने दावा किया था कि वो चुनाव लड़ेगी वो मुकेश सहनी की पार्टी है।
बाद में आपने देखा कि जदयू और राजद के बीच काफी दिन खींचतान के बाद ये सीट जदयू के खाते में गई, लेकिन मुकेश सहनी किसी के एजेंट बन के वहां नहीं गए थे, बल्कि मुकेश सहनी ने सबसे पहले इस सीट पर अपना दावा ठोका था कि वो यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने प्रत्याशी देर से घोषित किया, लेकिन मुकेश सहनी का दावा इस सीट पर जो उपचुनाव खत्म हुए थे दोनों सीटों के उसके तुरंत बाद हो गया था। यानी कहीं ना कहीं संजय जायसवाल का यह दावा साबित करता है कि उन्हें कुर्नी सीट पर हार का डर अभी सताने लगा है। उन्हें लगता है कि जो भूमिहारों का वोट है वो नीलाभ काट लेंगे, सहनी वोट है वो मुकेश सहनी ले लेंगे, और जो प्रत्याशी वहां से कुशवाहा बोलता है इसकी वजह से जदयू का प्रत्याशी वहां से जीत जाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन भाजपा इस सीट को लेकर डरी हुई है ये समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386